हरे कृष्णा एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द यूडिवर्स। दिस साइड योगेंद्र शुक्ला। ओके, सो आज है हमारी 2nd September 2023। नया दिन है आज अपना, और एज यूजुअली आई एम बैक विद आवर द हिंदू न्यूज़पेपर। ओके, सो यू ऑल रेडी नो कि जो भी रिलेवेंट आर्टिकल्स हैं उन्हीं के ऊपर बात की जाएगी, उन्हीं के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा, और जो नॉट रिलेवेंट है फ्रॉम द UPSC सिलेबस, ठीक है, उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो टाइम है वो अपना प्रीशियस है। वी ऑन लो, अगर आप लोग को इसकी PDF चाहिए, इफ़ यू गाइज वॉन्ट द PDF, ठीक है, तो हमारा जो आप ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइडेड होगा, और एज वेल एज टेलीग्राम का भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड होगा, तो मेक श्योर उधर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। सबसे पहले हेयर वी कैन सी दिस इज़ नॉट रिलेवेंट, इंडिया ब्लॉक रिजॉल्व टू होल्ड सीट शेयरिंग टॉक्स, ठीक है। ये ऐसे न्यूज़ हैं जो कि करंट में बस कुछ दिन के लिए रहते हैं, ठीक है ना, टेम्परेरी टाइप में। तो ये सब जो है UPSC कभी नहीं पूछता है। आपने अगर PYQ उसका अच्छे से एनालाइज किया है तो आपको पता होगा कि ऐसे जो चीज़ें हैं UPSC कभी भी नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। बस हाँ, ये पूछेगा अल्टीमेट की रोल पूछ सकता है, पोजीशन है क्या है, ठीक है। नाउ हियर, गवर्नमेंट पैनल टू स्टडी साइमल्टेनियस पोल्स टू लोकसभा स्टेट असेंबली, ठीक है। सो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। हेयर जो यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, उसने फ्राइडे को सेड दैट अ कमिटी हैज़ बीन फॉर्म्ड अंडर द हेडशिप ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद टू लुक इन टू द फीजिबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू द स्टेट असेंबलीज, ठीक है, एज वेल एज द लोकसभा। तो पर्टिकुलर कमेटी का गठन हो रहा है, उसका फॉर्मेशन होगा, जिसके जो हेड है हमारे कौन है, वो रामनाथ कोविंद है, ठीक है, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के। ये जो कमेटी है क्या करेगी, ये लुकआउट करेगी फीजिबिलिटी जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस और लोकसभा इलेक्शंस हैं उसकी, ठीक है ना, उसे कहने कहीं आई रखेगी उस पर, ठीक है, वॉच करेगी। नाउ यूनियन मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्रहलाद जोशी डिक्लेयर्ड द कमिटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एंड दैट वन नीडेड टू अवेट इट्स रिपोर्ट्स फॉर एनी फर्दर न्यूज़ ऑन द इशू। ओके, नाउ हियर, राइट नाउ अ कमिटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, अ रिपोर्ट ऑफ द कमिटी विल कम आउट विच विल डिस्कस इट्स प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है, उस कमिटी का जो क्या प्रोस्पेक्ट्स है उसके बारे में वो रिपोर्ट बताएगी हमको, ठीक है, जब वो आएगी तो अपन उसके बारे में और अच्छे से देखा जाएगा। इट विल बी डिस्कस्ड इन द पब्लिक डोमेन एंड व्हेन इट विल कम इन द पार्लियामेंट देयर विल बी डिस्कशन देयर टू। ओके, तो पता है आप लोगों ने लोकसभा का जो राज्यसभा की जो टीवी है ना, राज्यसभा टीवी, उसको सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब भी चैनल है, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं प्रोसीडिंग्स देखने को मिल जाएंगी लाइव, ठीक है, तो आप लोग के लिए एज अ फिजिकल लर्निंग बहुत ही अच्छा होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। सुप्रीम कोर्ट SC स्टूडेंट डाइज बाय सुसाइड एट IIT दिल्ली हॉस्टल, सेकेंड इंसिडेंट इन 2 मंथ्स, ठीक है। फिर एक दुखद घटना हुई है, एक 21 साल का फाइनल ईयर का BTech स्टूडेंट, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं कहाँ का है, IIT दिल्ली का, फाउंड डेड इन द हॉस्टल रूम। ओके, द पुलिस हेड, ओके ऑन 6 मंथ एक्सटेंशन। ये CSE भाई बताओ, BTech इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटरिंग, ही वॉज द ओनली एक्सटेंशन ही हैड, एज ही हैड नॉट क्लियर सम सब्जेक्ट्स, ही वॉज रिसाइडिंग इन द हॉस्टल ऑन द 6 मंथ एक्सटेंशन, अ सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड। पता है प्रेशर कुछ भी करवा सकता है। तो यहाँ पे की सेक्टर क्या बन जाता है, एजुकेशन सिस्टम को कहीं ना कहीं चेंज करना चाहिए कि नहीं चेंज करना चाहिए, पर्टिकुलर ऐसे जो प्रेशर बनाए दिए जाते हैं बच्चों के ऊपर, सबकी जो कैपेबिलिटी होती है माइंड की वो सेम तो होती नहीं, वी ऑल नो, ठीक है, किसी के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है, किसी के अंदर कम होता है, तो एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट रेजिस्टेंस लेवल। ओके, सो जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो उस मुताबिक बननी चाहिए कि नहीं, उस पर बात है, ठीक है ना। अब BTech का प्रेशर वो कैसे नहीं झेल पाया वो तो मुझे नहीं पता, ठीक है। अफकोर्स IIT दिल्ली में उसने जे एडवांस दिया होगा, उसका प्रेशर भी उसने झेला होगा, लेकिन उससे वो चीज़ नहीं सहा गई, उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, जो कि कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन उठाता है गवर्नमेंट के ऊपर भी एक तरह से। नाउ लेट्स मूव फर्दर।
फ्लावर पॉट्स टू बी गार्डेड PWD रिप्लेसिंग स्टोर वंस, ठीक है। G20 समिट के रिगार्डिंग बहुत सारे ब्यूटिफिकेशन हो रहे हैं हमारे दिल्ली में, जो लोग वहाँ के रेजिडेंट होंगे वो देख भी रहे होंगे, तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर ब्यूटिफिकेशन है ये हर समय होना चाहिए, ठीक है, सही बात है। मतलब हर सिटी में इस तरह के ब्यूटिफिकेशन के जो सर्टेन स्टेप्स है वो गवर्नमेंट को टेकआउट करने चाहिए, ठीक है ना। जो नगर पालिका है, नगर निगम है, वो सब कहीं ना कहीं टेकआउट कर सकते हैं टू मेक द सिटी क्लीन एंड ग्रीन। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। हेयर इट इज अगेन द इम्पोर्टेंट वन, जो गांधी दर्शन है, गेट्स अ फेसलिफ्ट, प्रेसिडेंट टू अनवील स्टैचू ऑन September 4, ठीक है। नाउ आर्टिस्ट फ्रॉम जयपुर आए हैं, हेयर वी कैन सी सम पोस्ट स्कल्पचर्स ऑफ द गांधी जी। अ सेल्फी पॉइंट हैज ऑल्सो बीन क्रिएटेड फॉर विजिटर्स एट द कॉम्प्लेक्स विच विल हैव अ मल्टीपल स्टैचूज ऑफ द महात्मा गांधी। तो कहीं ना कहीं फ्रॉम द ब्यूटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नाउ हेयर गाइज, फ्रॉम द एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जूम कर लेता हूँ मैं आप लोग के लिए। नाउ हेयर ये वाला है, अरुणाचल प्रदेश बैंस रोडेंट कैचिंग ग्लू ट्रैप्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट है उसने प्रोहिबिट किया है स्टेट वाइड मैन्युफैक्चर को, ठीक है, और सेल पर्सन्स को भी, कि जो ग्लू ट्रैप्स है फॉर कैचिंग रैट्स फॉलोइंग एन अपील फ्रॉम द पीपल ऑफ द एथिकल ट्रीटमेंट एनिमल्स पेटा इंडिया, ठीक है। पेटा पता होना चाहिए आप लोगों को क्या है, पीपल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इन इंडिया, उसके कहने पे ऐसा कदम उठाया गया अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ऑन एन अगस्त 24 नोटिफिकेशन फ्रॉम बिदोल तेंग, जो कमिश्नर ऑफ द स्टेट ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उनके, उस पर जो नोटिफिकेशन निकाली गई है बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो सेट दैट द यूज ऑफ द ग्लू ट्रैप्स वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल्स एक्ट ऑफ 1960 एज दे इंक्रीज द सफरिंग्स फॉर स्मॉल एनिमल्स दे गेट ट्रैप्ड ऑन द स्टिकी बोर्ड। सही बात है, आपने ग्लू लगा के छोड़ दिया, जो पर्टिकुलर एनिमल है वो उसमें आके फंस गया, रैट हो गया या फिर कोई भी हो गया, बर्ड हो गई, तो वो वहाँ पे फंसा हुआ है, ठीक है ना, उसकी हरेसमेंट एक तरह से हो रही है, उसमें ट्रैप हो गया, उसमें सफ़र कर रहा है जब तक कोई आके उसको निकालता नहीं, तो वो दिक्कत वाली बात आ जाती है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। ओके, नॉट रिलेवेंट है इधर, तो इस पेज में कोई हमारे रिगार्डिंग नहीं है। ओके, नाउ इन द पेज नंबर ऑफ द स्टेट हेयर इट इज इम्पॉर्टेंट। नाउ इंडियाज फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन टू बी लॉन्च्ड। हाँ, तो आज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है ये गाइस। देखो इधर जो हमारा इसरो है ना, इसरो, उसने चंद्रयान 3 की लैंडिंग परफेक्ट कर ली। अब इस साल सितंबर महीने में, यानी आज के दिन, ठीक है, 2 सितंबर को इसरो ने प्लान किया है कि वो लॉन्च करेगा आदित्य L1 मिशन, जिसके बारे में मैंने आप लोग को 3 से 4 बार बताया है पिछले प्रीवियस वीडियोज़ में, ठीक है, जो कि न्यूज़ में था। तो ये पहला जो है इंडिया का सोलर ऑर्बिटरी मिशन होगा, सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन होगा, जो कि आज लॉन्च किया जाएगा 2 तारीख को, 11:50 पर इसकी लॉन्चिंग होगी, 11:20 पर इसरो को लाइव मेन यूट्यूब चैनल पे लाइव होगा, तो आप सब देख सकते हैं, मैं भी उसको वॉच आउट करूँगा, ठीक है। ओके, वेट अ सेकंड गाइस, ठीक है ना। अब इसका देख लेते हैं, आदित्य L1 मिशन है, उसके जो पेलोड्स हैं वो हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द कोरोनल हीटिंग, ठीक है, कोरोनल मास इजेक्शन, फ्लेयर एक्टिविटीज, द डायनेमिक्स ऑफ द स्पेस वेदर एंड द प्रोपोगेशन ऑफ द पार्टिकल्स एंड द फील्ड्स, ठीक है। सो जो आदित्य L1 है उसमें 7 पेलोड्स होंगे हमारे, कितने पेलोड्स होंगे अप्रोक्सीमेटली, जहाँ तक मुझे पता है उसमें कितने पेलोड्स होंगे, 7 पेलोड्स होंगे, ठीक है। जो कि कहीं ना कहीं
हमको क्रूशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ कोरोनल हीटिंग। अब जो सन है हमारा, मान लो ये अपना सन है, ठीक है, इस सन के जो आउटर मोस्ट, ये मतलब जो आउटर वाला पार्ट है और जो इनर वाला पार्ट है, इनर वाला कोर कहते हैं, तो जो कोर का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। वी ऑल नो कि वहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, ठीक है। और जो अब जब धीरे धीरे कोई चीज़ कोर से दूर जाएगी, हम लोग कोर से दूर जाएंगे सन के, तो जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होना चाहिए सब्सिक्वेंटली, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो कोर का जो टेम्परेचर वो तो चलो ठीक है, लेकिन जो सन का आउटर मोस्ट पार्ट है, ठीक है ना, अपर मोस्ट जो लेयर है, वो उसका नाम क्या है, कोरोना है। क्या नाम है, कोरोना, ठीक है। तो उसकी जो टेम्परेचर है वो मिलियंस में रहता है, कोर का उधर डिग्री सेंटीग्रेड में रहता है कुछ, यानी कुछ हज़ार डिग्री सेंटीग्रेड, 5,000 6,000 ऐसा। लेकिन जो हमारा कोरोना है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, उसका जो टेम्परेचर है वो मिलियन डिग्री सेल्सियस में रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये अभी तक एक मिस्ट्री है, और उसी को स्टडी करने के लिए हमारा आदित्य एल1 मिशन कहीं ना कहीं उसके जो पेलोड्स हैं हमको हेल्प करेंगे, एज वेल एज कोरोनल हीटिंग प्लस कोरोनल मास इजेक्शन को पढ़ने में, या फिर प्री फ्लेयर और द फ्लेयर एक्टिविटीज़ को पढ़ने में हेल्प करेगा। और साथ ही साथ हम लोग कैपेबल होंगे स्पेस वेदर डायनेमिक्स को समझने में, कि जो स्पेस का जो वेदर है वो कैसे चेंज होता है उसके। जब हम लोग ये चीज़ समझ जाएंगे तो हम लोग जो अपना मिशन है वो पर्टिकुलर अच्छे से परफॉर्म आउट, मतलब कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, हमारे साइंटिस्ट लोग। नाउ देखो, इंडिया का फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है आदित्य एल1 है, विल बी लॉन्च ऑन बोर्ड द PSVL के द्वारा, इसको लॉन्च किया जाएगा पोलर सैटेलाइट व्हीकल लॉन्च के द्वारा फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि कहाँ पे है, श्रीहरिकोटा में है, 11:50 पर होगा। ऑन फ्राइडे इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन कमेंस्ड अ 23-hour 40-minute काउंटडाउन फॉर द लॉन्च ऑफ द आदित्य एल1 मिशन। ओके, PSLV विल लॉन्च एट इतना। जो स्पेस क्राफ्ट है इनटू द हाईली इसेंट्रिक अर्थ बाउंड ऑर्बिट एट अराउंड 12:53, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर उसको पहुंचाया जाएगा, ठीक है ना, उसके जो अर्थ की ऑर्बिट है उस पर। नाउ जो PSLV C57 आदित्य एल1 मिशन है वो कैन बी काउंटेड एज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन्वॉल्विंग इसरोज वर्क हॉर्स लॉन्च व्हीकल, ठीक है। हाउएवर जो लॉन्गेस्ट PSLV मिशन है इज स्टिल 2016 का PSLV C35 मिशन, जो कि विच हैज़ कम्प्लीटेड 2 hours 15 minutes and 33 seconds आफ्टर लिफ्ट ऑफ, ठीक है। फॉलोइंग द आदित्य एल1 लॉन्च जो आदित्य एल1 है विल स्टे इन अर्थ ऑर्बिट अराउंड 16 दिन के लिए रहेगा अर्थ के ऑर्बिट में, उसके बाद ड्यूरिंग विच इट विल अंडर गो 5 maneuvers टू गेन द नेसेसरी वेलोसिटी फॉर इट जर्नी। नाउ लॉन्ग जर्नी सब्सिक्वेंटली जो आदित्य एल1 है अंडर गो द ट्रांस लैग्रेंजियनल इंसर्शन, ठीक है, मैनोर मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ इट्स 110-day ट्रेजेक्ट्री ऑफ द डेस्टिनेशन, ठीक है, जहाँ पे हमको जाना है एल1 पॉइंट पे। नाउ जो आदित्य एल1 है विल स्टे अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सन, दैट इज अबाउट 1% ऑफ द डिस्टेंस, यानी जो टोटल अर्थ से सन की डिस्टेंस है वो कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर, कितनी है, इतनी। तो जो हमारा L1 पॉइंट है वो सन से, मतलब अर्थ से कितना दूर है, अर्थ और सन के बीच में कहाँ पे सिचुएट करता है, ये मान लो अपनी अर्थ है, ये अपना सन है, जो लैग्रेंज पॉइंट है वो हमारे यहाँ पे आता है कहीं पे, जो जिसका जो डिस्टेंस है अर्थ से वो कितना है, 1.5 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, जो कि 1% है ऑफ द सन अर्थ सन डिस्टेंस। तो ऐसा नहीं कि सूरज एकदम पास जा रहा है, ठीक है, वही पर्टिकुलर पॉइंट पे जा रहा है जो कि 1% ऑफ द डिस्टेंस है। ओके, जो सैटेलाइट है प्लेस्ड इन द हेलो ऑर्बिट कैन कंटिन्यूसली व्यू द सन विदाउट एनी ऑक्यूपेशनल और द इक्लिप्स, ठीक है। तो ये हो गया, आज अपन बैठ के इसको देखेंगे। जो यूरोपियन एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, वो सपोर्ट करेगी आदित्य एल1 को फ्रॉम वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये इतना रिलेवेंट नहीं हो गया हमारे लिए। इलेक्शन कंपेन्स हो रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं तो आपको बहुत सारे पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग न्यूज़ आएगी, तो वो अवॉइड ही कर रहा आप लोग, ठीक है।
फर्स्ट बैच ऑफ एलिफेंट ऑन देयर वे टू मैसूरू फॉर जंबो सवारी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। चाइनाज इकोनॉमी स्लो डाउन, इट्स रिपल इफेक्ट, ठीक है। तो ये अपना नॉट रिलेवेंट है, पूरा चाइना किस इकोनॉमी के ऊपर है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है अगर पीआईक्यू आपने देखा हो। मैनी फेसेस ऑफ इस्लामोफोबिया, नॉट रिलेवेंट। लेट्स मूव फर्दर। ग्राउंड जीरो, कोटा क्रैश कोर्स, ठीक है। तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है, प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है घर वालों तरफ से भी या कोचिंग की तरफ से भी। तो कुछ बच्चे हैं जो उसको झेल पाते हैं, कुछ बच्चे नहीं झेल पाते। अब देख सकते हो आप लोग दीवारों पे कोटा की कैसे क्या क्या लिखा हुआ है, नी 2024, मेरा ना, ये वो। सब अपने अपने थॉट्स, अपनी ड्रीम्स को सिक्योर करना चाहते हैं, लेकिन सब उतने कैपेबल नहीं होते गाइस, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। इस तरह की जो न्यूज़ होती हैं, 8 killed 29 अदर इंजर्ड इन द मणिपुर सिंह अगस्त, इस तरह के न्यूज़ कभी भी यूपीएससी नहीं पूछता है, तो हमको उसको कोई मतलब भी नहीं है पढ़ने का, ठीक है। और ना कहीं ये न्यूज़ काम आती हैं। नाउ हेयर, रेटल्ड बाय इंडिया बीजेपी इज एक्सप्लोरिंग साइमल्टेनियस पॉलिसीज अपोजिशन। अब पॉलिटिक्स है तो न्यूज़ आएगी, ठीक है, तो उसको अपन हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो जो अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो ये वाला है, 7 years ऑन मिशन टू क्लीन द गंगा रिमेन्स अ वर्क इन द प्रोग्रेस, ठीक है। नाउ इन द फोटो वी हैव सीन द सेंटर हैज़ गिवन अप्रूवल फॉर द प्रोजेक्ट्स ऑफ ₹37,396 करोड़, बट ओनली 1400 करोड़ हैज़ बीन रिलीज टू द स्टेट, ठीक है। मतलब सेंटर ने जो अप्रूवल दिया था वो 37,000 करोड़ का था, लेकिन अभी तक सिर्फ 14,000 करोड़ ही रिलीज किए गए हैं स्टेट्स के लिए, ठीक है। जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं आर कैपेबल ऑफ ट्रीटिंग जस्ट 20% ऑफ द सीवेज स्पीविंग इनटू द रिवर सेटअप सो फार। NMCG होप्स टू इंक्रीज दिस टू 33%, ठीक है, बाय 2024 एंड 60% बाय 2026। सेंटर सेज इट विल ओनली बिल्ड कैपेसिटी ऑफ 7,000 MLD, स्टेट सेटअप द रेस्ट, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके अपनाए गए हैं टू क्लीन आवर हॉली रिवर गंगा। इन्वेस्टमेंट दबा की जा रही है, लेकिन यहीं पे पता है करप्शन आ जाता है, जितने का अप्रूवल मिला है उतना पैसा जा नहीं रहा, तो क्या ही होगा। नाउ इंडियाज नेवी स्टिल्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी लॉन्च, ठीक है। तो महेंद्रगिरी द 7th एंड द लास्ट स्टिल्थ फ्रिजेट ऑफ द प्रोजेक्ट 17A महेंद्रगिरी वॉज लॉन्च ऑन द फ्राइडे बाय द सुदेश धनखड़, ठीक है, वाइफ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धाकर, एट द मेजडॉक डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इन द मुंबई। जो लॉन्च है कम एट एन इम्पॉर्टेंट टाइम वेयर जो नीड फॉर एश्योर्ड अम्ब्रेला ऑफ द सिक्योरिटी इज अ मस्ट फॉर सस्टेनिंग द एस्पायरल ट्रेजेक्ट्री ऑफ आवर नेशन। एट सी द इंडियन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडियन ओशियन रीजन और द लार्जर इंडो पैसिफिक ओशियन रीजन कंटिन्यू टू परसिस्ट। कुल मिला के जो महेंद्रगिरी जो कि 7th और आखिरी स्टिल्थ फ्रिजेट है ऑफ द प्रोजेक्ट 17A, उसको लॉन्च किया गया बाय द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट्स वाइफ। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। ओके, फ्रॉम मैग्ना कार्टा टू अष्टाध्यायी आर्टिफैक्ट्स टू ग्रेस जिरोंडी कॉरिडोर। अ कॉपी ऑफ मैग्ना कार्टा यूनाइटेड किंगडम फेनर्स चार्टर ऑफ राइट्स अ 15th century bronze statue of, ठीक है, not relevant। Okay, let's move further। August GST revenue eases to 3 months low in 1.5 lakh crore, ठीक है।
तो इतना रिवेन्यू हुआ जीएसटी का अगस्त महीने में। और कुछ नहीं पेपर में गाइस। थाईलैंड किंग रिड्यूसेस फॉर्मर पीएम थाक्सिन प्रिजन टर्म फॉर 1 ईयर। ओके, तो थाईलैंड में अभी भी क्या चल रहा है, किंग रूल भी है जैसे अपना उधर है ना। लेट्स मूव फर्दर, स्पोर्ट्स सेक्शन आ गया, कोई मतलब नहीं है अब इधर। आज के दिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच है तो वो देख सकते हो आप लोग हल्का एंजॉयमेंट के लिए। इंडिया पाकिस्तान फ्रॉम वर्ल्ड टू एशिया वर्ल्ड कप, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर गाइस। तो आज वे होते था एडिटोरियल, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको डिस्कस नहीं किया मैंने। अगर आपको लगता है मैंने कोई चीज़ छोड़ी है तो हाँ, मैंने वह चीज़ छोड़ा जो रिलेवेंट नहीं है यार। अब ऐसा सब कुछ पढ़े कोई मतलब नहीं ना, आप समझो बात को। और अगर आपको वीडियो लगे सही लगे तो वॉच आउट कर सकते हो, नहीं तो कोई बात ही नहीं। ये सब मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ठीक है। टू इज माई प्रिपरेशन गाइस, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू फॉर बींग हियर, टिल देन बाय बाय, हरे कृष्णा गाइस, ठीक है। और अगर आप लोग को PDF चाहिए तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इट विल नॉट द जस्ट अ ग्रुप, इट विल द PA ग्रुप, ठीक है, जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस रेज आउट कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल गाइस, बाय बाय एंड कीप स्टडिंग, कीप ग्राइंडिंग, हरे कृष्णा।